हेलो बच्चों, नीटवत कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पढ़ रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं? अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। आप अपने गोल्स की तरफ मेहनत कीजिए और गोल्स आपके उतने करीब आते रहेंगे, क्योंकि मेहनत है तो एम्स है। मेहनत करेंगे तो एम्स ज़रूर हासिल होगा। हमने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था सेल डिवीजन, सेल साइकिल का। हमारा कल पहला लेक्चर था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो बेसिक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बहुत बेसिक से शुरू किया है। वो अगर आपको क्लियर है तो आगे का जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ आएगा। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है और मेरा भी। आगे हम क्या देखने वाले हैं? कल हमने आपका क्या शुरू किया था? फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमने देख लिया था इंटरफेज, एम फेज के बारे में, और आपका जो डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में। अब हम देखते हैं तीन स्टेजेस, कौन कौन सी। इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, G1, S और G2 फेज। ठीक है, जीवन फेज से शुरू करते हैं। जीवन फेज आपका किन दो फेजेस के बीच का पार्ट है? एम फेज और एस फेज के बीच का इंटरवल होता है जीवन फेज। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस कहां पे हो रहा है? एम फेज में। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है? एस फेज में। एम और एस के बीच में कौन सा फेज आता है? जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज में जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। जब हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या हम सोते सोते तैयारी करेंगे? नहीं ना, एक्टिव तो बनना पड़ेगा ना। अगर हमें पेपर निकालना है, एग्जाम निकालना है, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में ऐसे सोते सोते ऐसे ऐसे बैठेंगे। शुरू शुरू में हर किसी में जोश होता है, किसी भी काम को करने के लिए शुरू शुरू में बहुत जोश होता है। तो इसका मतलब ये कैसा सेल हुआ? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हुआ। अभी ये शुरुआती फेज में है। ठीक है, हमने तीन बनाई कॉलम, जीवन, एस, G2। जीवन फेज में क्या हो रहा है? आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है किसका? डीएनए का। और यहां पर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ये है मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज मतलब प्रिपरेटरी फेज है, पहला है। शुरू शुरू में हर किसी में जोश होता है, किसी भी काम को करने के लिए शुरू शुरू में बहुत जोश होता है। तो इसका मतलब ये कैसा सेल हुआ? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हुआ। अभी ये शुरुआती फेज में है। ठीक है, इसके बाद ये किसके बीच का फेज है? एम फेज और एस फेज के बीच का। इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज, ये हो गया आपका जीवन के बारे में। हम देखते हैं एस फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसाइज फेज, सिंथेसिस फेज। किसका सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का। ठीक है, क्या हो रहा है? डीएनए सिंथेसिस। इसमें क्रोमोसोम वैल्यू सेम रहेगी, मतलब एन रिमेन्स सेम, और सी वैल्यू डबल्स। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है ना, इसका मतलब है सी वैल्यू डबल हो जाएगी। यहां पे क्या बनेंगे? जब डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम सेम है, यहां पे क्या बनेंगे? विल फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एस फेज के बारे में। आते हैं G2 फेज पर। G2 फेज में क्या क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा,
ग्रोथ तो हो ही रही है। ग्रोथ कैसे होती है? हमने देखा था ग्रोथ होती है जब आरएनए और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ता है। ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रहा होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बन रहे होंगे। किसमें हेल्प करेंगे ये? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से क्या होगा? आपका सेल डिवीजन। आगे हम देखेंगे कैसे स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। ये हो गए आपके तीन फेजेस। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए तो सेम रहेगा। इसके बाद आते हैं S और सिंथेसिस फेज। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, इट इंक्रीजेस टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इफ द सेल हैज डिप्लॉयड ऑन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, इवन एट S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 2n ही रहेंगे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है किसमें? न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के बाद। एनिमल सेल के केस में डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होगा? न्यूक्लियस में। तो साइटोप्लाज्म में क्या डुप्लीकेट हो रहा होगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, आपका न्यूक्लियस में क्या डुप्लीकेट हो रहा है एनिमल सेल के केस में? डीएनए। सेंट्रियोल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो साइटोप्लाज्म में क्या डिवाइड हो रहा होगा? आपका सेंट्रियोल। ठीक है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अभी बताया ग्रोथ हो ही रही है, माइटोसिस के लिए आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटीन कौन सा? ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या फॉर्म करेंगे? स्पिंडल फाइबर। किसमें हेल्प करेंगे? सेल डिवीजन। ये था हमारा G1, G2 और S फेज। अब आते हैं एक और फेज है जो हमने यहाँ पे साइड में देखा था, ये G0 फेज। ये G0 फेज क्या है? G0 फेज इज क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज इज अ स्टेज विच इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन यहां पे सेल डिवाइड नहीं होते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे सेल्स हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। कुछ सेल्स होते हैं जो एक बार मैच्योर होने के बाद साइड में ऐसा होता है कि उनका काम खत्म हो गया या उन्हें अभी काम ही नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है बॉडी को। तो बॉडी क्या करती है? उन्हें स्टोर करती है कि कभी अगर हमारी बॉडी किसी पैथोजन से, किसी बैक्टीरिया से एनकाउंटर करती है तो वो सेल एक्टिव है ना, उन्हें सिग्नल जाएगा कि आ जाओ मैदान में लड़ने जाना, एक बैक्टीरिया आया है। जब बैक्टीरिया नहीं है तो क्या काम है उनका? कुछ नहीं। कोई हमारे बॉडी ने बैक्टीरिया से एनकाउंटर नहीं किया, वी आर अ हेल्दी पर्सन। बैक्टीरिया आया नहीं है तो वो सेल्स काम कर नहीं रहे हैं, क्यों करेंगे? हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। किसी भी बाहर से एक फॉरेन पार्टिकल का एनकाउंटर किया बॉडी ने, सेल्स को सिग्नल जाएगा कि अब तुम्हारी जरूरत है। हम लोग अपना खाना बना रहे हैं, अपना लाइफ जीने के, इनको जो ह्यूमन है उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए भी किसी को चाहिए, तुम आके इससे लड़ाई करो जब तक हम काम कर रहे हैं। तो वो आते हैं, लड़ते हैं, खत्म होती है बात, उसके बाद वो दोबारे से उस स्टेज में वापस आ जाते हैं। ठीक है, समझ आई चीज? ऐसे ही है, सेल जो डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें और डिवीजन करना है, वो काम करते जा रहे हैं, वो तो प्रॉपर चल रही है साइकिल। बट कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो अभी इस टाइम पे डिवाइड करने के बाद आगे उनकी कोई काम नहीं है, तो वो एक रेस्टिंग स्टेज रखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने।
Some cells in adult animal do not appear to exhibit division like heart cell. Heart cell divide नहीं करते. And many other cell, मतलब किसके बारे में? Nerve cells के बारे में बोल रहा है और muscle cells. Occasionally divide as needed to replace cell that may be have been lost due to injury or cell death. These cells that do not divide further exit जीवन phase and to enter an inactive stage called quiescent stage or G naught stage. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending upon the requirement of the organism. In animals, mitotic cell division only seen in diploid somatic cells. Diploid somatic cells. Mitotic division किसमें देखने को मिलती है? खाली somatic cells में, diploid somatic cells में. पर fewer exceptions भी हैं. Haploid cell divides by mitosis. Male honeybee. Haploid cell divide करता है mitotically, मतलब एन एन ही बना रहा है क्योंकि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है. कैसी है? इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, मेल हनीबीज का एग्जांपल है जिसमें हैप्लॉइड सेल डिवाइड करता है आगे डिवीजन्स के लिए. अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस. ये इतना कुछ खास नहीं है. ये जो क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये आपका पीवाईक्यू आया था कि प्लांट्स जो डिवीजन शो करते हैं माइटोटिक डिवीजन वो कहाँ शो करते हैं? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में. तो इस बार क्या पता वो ये पूछ लें कि एनिमल सेल्स माइटोटिक डिवीजन कहाँ शो करते हैं? कहाँ शो करते हैं? सोमेटिक सेल्स में. सोमेटिक सेल्स में आपका क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन शो होता है. ये देखते हैं साइड में क्या लिखा है. यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल इफ इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल. 16 क्रोमोसोम है. कैन यू टेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जी1 फेज, एस फेज एंड एम फेज. क्रोमोसोम सेम रहेगा, मतलब अगर यहाँ 16 है तो जी1 में भी क्या होगा? 16. एस में भी क्या होगा? 16. एम में भी क्या होगा? 16. व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल? सेल का यहाँ कितना होगा? 16. एस में डीएनए कितना हो जाएगा? 32. जी2 में कितना हो जाएगा? 32. एम फेज में कितना हो जाएगा? 16. ठीक है, ये आपका हो गया. एक हमने पीछे भी शायद छोड़ दिया है बॉक्स. हाँ, ये. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यूज टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? बताओ जरा आंसर, कैसे करते हैं वो कंटिन्यू? प्रिपेयर करके और ग्रोथ करके. और ये कैसा हो रहा है? सेल डिवीजन के थ्रू. कैसे? सेल डिवीजन. डिवाइड ऑल द टाइम? नो, सारे सेल प्लांट में हमेशा तो डिवाइड नहीं करते ना. कुछ रेस्टिंग स्टेज में चल जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं. डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल? नो. Can you tell the name and the location of tissue having cells that divide all their life in higher plants? ऐसा कौन सा रीजन होगा जो पूरी जिंदगी भर डिवाइड करता रहेगा जहां से उसको ग्रोथ करनी होगी? ग्रोथ एपिकल, एपिकल की तरफ से होती है, तो ये हो जाएगा एपिकल टिश्यू. एपिकल सेल्स जो होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? वो एपिकल मेरिस्टेम में. एपिकल मेरिस्टेम. Can you tell the name and location? हमने बता दिया. Do animals have similar meristematic tissue? Animals के पास कोई ऐसा meristematic tissue है जो lifetime grow करेगा? Yes. कौन सा है? Bone marrow. NCERT का कोई भी box आपको छोड़ना नहीं है. NCERT का अगर एक जरा सा point भी है तो वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो हमने ये पूरा देख लिया physics. एक हम graph देखते हैं. ठीक है, ग्राफ देखते हैं. G1, S, G2, M. ये है N, ये है C. ठीक है, मान लो हमारे पास N कितना है? N है 16.
तो एन तो हमेशा ही 16 रहेगा, क्या रहेगा, 16 16 16, जो सी है यहाँ पे वो 16 है, नहीं जो सी है यहाँ पे वो है 2n, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n, यहाँ पे कितना है 4n और यहाँ पे कितना है 2n। ऊपर बॉक्स का एग्जाम्पल है, उसी का ही हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा रहेगा इसका, ये देखो ये कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे हम लेते हैं फेजेस G1 S G2 M, ठीक है, ये है 2C 4C 6C। G1 फेज में दोनों 16 क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट कितना है हमारा 2C, ठीक है 2C आ गया हम G1 में। S में हमारा डबल होता है तो हमारा 4C पहुंच गया, ये लो हमारा क्या पहुंच गया 4C। अब हमारा G2 फेज में कांस्टेंट रहता है, 4C ही रहेगा, ये लो G2 में 4C हो गया। M फेज में आपका फिर से डिवाइड कर जाएगा और कितना पहुंच जाएगा 2C हो गया। ये आपका एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में देगा, आपसे स्टेजेस पूछ लेगा, आपसे कंटेंट पूछ लेगा, इस फॉर्म में भी दे सकता है, आपको दोनों फॉर्म में कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम एम फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज किसने दिया था ये माइटोसिस फेज, कोई बता सकता है? ये दिया था फ्लेमिंग ने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, फ्लेमिंग ने, माइटोसिस फ्लेमिंग ने दिया था। और मियोसिस किसने दिया था, फार्मर एंड मूस ने। फार्मर एंड मूस ने क्या दिया था आपका, मियोसिस। चलो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल, सबसे ज्यादा ड्रामा अगर सेल कहीं करता है तो वो एम फेज में करता है। एम फेज में ड्रामा क्यों करता है, क्योंकि उसका पेपर चल रहा है, पेपर के टाइम पे तो पेट दर्द भी होता है, सर दर्द भी होता है, अब थोड़ा इतराते भी, अच्छा मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है, ये आया है क्वेश्चन, ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ा है, तो ये क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्चुअली कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, मतलब ये सारे कंपोनेंट यूज करता है। अब जब प्रिपेयर किया है, क्वेश्चन आया है, जो यूज होने हैं कंपोनेंट वो तो हम यूज करेंगे ना, तो ये क्या करता है, सारे कंपोनेंट जो यूज होने होते हैं वो यूज करता है एम फेज में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। हमने अभी देखा था क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन विद इन द स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फोर स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सब हम देख चुके हैं। किसी को अगर इसमें दिक्कत आ रही है, आप इसका पहला लेक्चर देखिए, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कितनी स्टेजेस हैं, कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसे इसमें लाइनिंग नहीं हम ड्रॉ कर पाएंगे, ये सब कुछ आपका मैं पहले लेक्चर में समझा चुकी हूं। मैंने कल इसीलिए इतना आराम से समझाया था क्योंकि आगे उसकी जरूरत है, ठीक है। चलो हम आज का पहला फेज शुरू करते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज पहला फेज, कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज। डायग्राम देख लेते हैं पहले, ठीक है, हमारे पास ऊपर पेज है ना, यहाँ पे देखते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज से आप क्या समझ आना चाहिए आपको, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, तो प्रोफेज सेल बनाओ, ये है एक सेल, सेल में क्या क्या हो रहा है, इसमें ये क्या है, ये है आपका
सेंट्रियोल। क्या है आपका? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से निकलती है एस्ट्रल रेस, इधर भी सेंट्रियोल होगा, दोनों एंड पे है सेंट्रियोल। इधर से भी क्या निकल रही है? एस्ट्रल रेस। क्या निकल रही है? एस्ट्रल रेस। ठीक है, बीच में ये क्या पड़े होंगे यहां पे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है ये? क्या है यहां पे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, किसी एक फिक्स लाइन पे नहीं है, कहीं भी पड़े हैं ये। यहां पे सेंट्रियोल क्या करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर अटैच कहां पे होंगे? इसके काइनेटोकोर पे जाके। दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं सेंट्रोमियर पर, स्पिंडल फाइबर कहां पे अटैच है? काइनेटोकोर पर। लो, काइनेटोकोर से अटैच हो गए। बीच में आपको यहां पे डिसकंटिन्यूअस रीजन दिख रहा है जहां पे ये क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, तो ये कौन से होंगे? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। जब डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ और भी होंगे जो इधर उधर से निकल रहे होंगे, है ना? ये जो ग्रीन वाले हैं जो पूरा ओवरऑल सेल में है, ये कौन सा होगा आपका? कॉन्टिन्यूअस फाइबर। कौन से हैं ये? कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। समझ आ गया? अब इस बेसिस पे हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। क्या पॉइंट्स लिखेंगे? हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? सेंट्रियोल कहाँ पर है? पोल्स की तरफ है। इसमें दिख रहा है ये पोल्स? यहाँ पे कोई भी आपको ईआर नहीं देखने को मिलेगा, नो ईआर, नो मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, नो ईआर, नो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, नथिंग। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है? डिसअपियर। अभी देखा ना, नो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। इसका एन कितना है आपका? फोर। एन कितना है आपका? फोर। सी कितना है? फोर सी मतलब एट। कितना है डीएनए कंटेंट? डबल है, एट है। ये आपका पूरा हो गया प्रोफेज, जो कि आपको प्रोफेज पता होना चाहिए। आगे एनसीईआरटी देखते हैं क्या लिखती है आपके लिए। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड जी टू फेज ऑफ इंटरफेज। एस और जी टू फेज के बाद अगर कोई आता है कैरियोकाइनेसिस में, सबसे पहला फेज क्या आता है आपका? प्रोफेज। इन एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइन। मतलब जो आपका प्रोफेज है उसमें डीएनए कंटेंट अलग से नहीं दिख रहा है, ठीक है? कुछ अलग से नहीं दिख रहा है, सब आपस में ऐसे इंटरवाइन है। ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है आपका? डीएनए इन प्रोफेज। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो क्या बनाता है आपका? क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। द सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स। ड्यूरिंग एस फेज जो डुप्लीकेशन हुआ है, क्या डुप्लीकेशन हुआ था? एक हुआ था डीएनए का और दूसरा सेंट्रियोल का। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है वो सेंट्रियोल पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। अभी हमने देखा सेंट्रियोल पोल्स की तरफ जा चुके हैं। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं क्या है। क्रोमोसोमल मटीरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ये हमने देखा ऐसे बने। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टूगेदर एट सेंट्रोमियर। ये हमने देख लिया। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेशन हुआ था सेंट्रियोल के फॉर्म में। बिगेन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल कॉल्ड एस्टर्स। देखा था एस्टर्स, एस्टर रेस।
स्पिंडल फाइबर से निकल रही थी ना ऐसे, वो सेंट्रियोल से निकल रही थी ना ऐसे ऐसे, द टू एस्टरेज टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक अपैरेटस। स्पिंडल फाइबर किससे निकल रहे हैं? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है? एस्टर से। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। पहले फेज का इंपॉर्टेंस क्या है? कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, कोई भी ऑर्गेनली नहीं दिखेगी। सेंट्रोमियर्स से आपका जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड करके आपका पोल्स पे जा चुका है। क्या निकाल रहा है? स्पिंडल फाइबर निकाल रहा है। इसी के साथ प्रोफेज खत्म होता है। प्रोफेज में आपको इतना ही जानना है, इसको इतनी इंग्लिश नहीं भी पढ़नी है कोई बात नहीं, आप पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं आपको क्या समझ आता है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम दिया उसके नीचे पॉइंट लिखवा दिए, ऐसे ही आप इसको ना पढ़ के साइड में वही डायग्राम लिख के नीचे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। इधर देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से अटैच है ना, ये कोई ऑर्गेनली ऐसे कुछ ऐसे मेम्ब्रेन कुछ ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रोफेज। क्या हुआ? प्रोफेज। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने एक फेज सेल साइकिल का शुरू कर दिया, दैट इज प्रोफेज। ठीक है, कल हम इसका मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज तीनों देखेंगे। कल आपका माइटोसिस एम फेज फिनिश हो जाएगा। जितना आज समझाया है उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना और अच्छे से उसके क्वेश्चंस लगाना। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका शेयर बहुत मायने रखता है। आप अपने आप तो पढ़ेंगे, आप किसी और को भी मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए जिसको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता होगा। हम कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। टिल देन कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, क्योंकि अगर मोटिवेशन है तो पढ़ाई है, पढ़ाई है मेहनत है तो एम्स है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपका खुद का चैनल है, इसमें आपके लिए आपके ही लिए कंटेंट आ रहा है। सब्सक्राइब करना, सारे नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे।